News 18, India. बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो पहले दर्शकों को बता देते हैं। बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है, इसी से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। लालू यादव ने कह दिया है कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है। और गठबंधन तोड़ना आसान नहीं, बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि दरअसल आंकड़ा बहुमत का हमारे पास है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, लालू यादव कह रहे हैं कि आंकड़ा उनके पास है बहुमत का, किस बिना पर, कौन सी फेहरिस्त उनके पास बहुमत जो जाहिर कर देंगे? बिल्कुल, देखिए जब से यह बात सामने आई है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो सकते हैं और एनडीए के साथ जाकर वो सरकार बना सकते हैं, उसके बाद से ही लगातार लालू यादव पहले कांग्रेस के विधायकों से बात किए, उसके बाद अपने सभी विधायकों से बात किए और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उनसे बात की गई और ये कहा गया कि उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, वो अपने चारों विधायकों के साथ महागठबंधन में आ जाए। और इसके साथ ही जेडीयू के भी कई विधायकों से संपर्क किया गया कल शाम में। तो इसी आधार पर लालू यादव अब यह दावा कर रहे हैं कि बहुमत उनके पास है, लेकिन क्या जब वक्त आएगा उस समय बहुमत वो साबित कर पाएंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आज 1 बजे के करीब आरजेडी की बैठक है और उस बैठक में यह भी ऐलान हो सकता है कि वो सरकार में आने के लिए अपनी पूरी पुरजोर तैयारी कर चुके हैं। और इसके बाद अगर नीतीश कुमार जैसे ही गठबंधन तोड़ने का ऐलान करेंगे उसके बाद तेजस्वी यादव राजभवन का रुख कर सकते हैं, वो राजभवन जाने की कोशिश करेंगे और अगर उनको राजभवन जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो वो अपने सभी विधायकों और सांसदों के साथ राजभवन के बाहर धरना पर भी बैठ सकते हैं। इसकी भी रूपरेखा तैयार कर ली गई है आरजेडी की ओर से। तो क्योंकि सबसे बड़े दल होने के नाते तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी तैयारी की है, लालू यादव ने कमान संभाल रखा है और लगातार विधायकों से बातचीत भी कर रहे हैं वो। यानी ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, लालू यादव का पहला बयान आया है कि उन्होंने कह दिया बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले गठबंधन नीतीश को तोड़ना होगा, इसके बाद वो अपने पत्ते खोलेंगे। अरुण, अब इस खबर के बाद सवाल यहां से ये उठता है कि अगर लालू यादव जो दावा कर रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास मौजूद है तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि दल बदल के खेल में माहिर नीतीश कुमार का पासा इस बार उल्टा पड़ जाएगा और ये खेल उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो तो दावा पेश कर देंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देखिए दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। पहले ये कि 1 बजे ही नीतीश कुमार से समर्थन वापसी की घोषणा कर देंगे तेजस्वी और सरकार बनाने का दावा कर देंगे, और उसके बाद कि लालू यादव तय करेंगे कि क्या करना है तब जब नीतीश इस्तीफा दे देंगे। या तो पहले ये समर्थन वापसी के ऐलान करेंगे और अपना दावा कर देंगे या फिर इंतजार करेंगे कि नीतीश इस्तीफा दे दें तब हम अपनी रणनीति तय करें। दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है, जहां तक आपका सवाल है, दांव उल्टा पड़ सकता है, सियासत में कई बार ऐसा होता है कि दांव उल्टा पड़ जाता है, लेकिन जब नीतीश कुमार जैसा मझा राजनेता कोई चाल चलता है और जब बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने कई राज्यों में सरकार बनाई है, कई राज्यों में सरकार उसके समर्थन वापसी से गिरी है, वह दोनों मिलकर जब रणनीति तय करते हैं तब उसमें लूपहोल की गुंजाइश कम होती है, वो सारे कील कांटे दुरुस्त करके ही जनता के सामने आते हैं। ये बातें पर्दे के पीछे पहले से चल रही थी, सब कुछ तय है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस उसको होना बाकी है जो कि कल हो सकता है। तो नीतीश कुमार और बीजेपी अगर एक साथ आते हैं तो बहुमत का आंकड़ा उनके पास है और बड़ी मुश्किल ये होगी कि अगर आरजेडी 2-4-4-5 विधायकों को तोड़ती भी है तो दल बदल कानून के तहत मुश्किल हो जाएगी। विधानसभा स्पीकर को बने रहिए, अरुण आप भी हमारे साथ, चंद्रमोहन आप भी बने रहिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर दर्शकों को हम ये बता दें कि लालू यादव ने ऐसे वक्त में बहुत बड़ा दावा कर दिया है और दावा ये है कि बहुमत हमारे पास मौजूद है। और ये वो लालू यादव है जो लगातार अब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाए।